हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, हरियाणा की ताजा खबरें मुख्य समाचार के रूप में। तो जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी पिछले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। आपको बता दूं, किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। आज भारत बंद, राज्य में 14.5 लाख वाहन नहीं चलेंगे, जरूरी सेवाएं के लिए जा रहे वाहनों को नहीं रोका जाएगा। और किसान बोले, सुबह से शाम तक बंद और चक्का जाम दिन के 11 से दोपहर 3 बजे तक। वहीं आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने मंगलवार को भारत बंद करने का आह्वान किया है। बंद आज सुबह 8 बजे से शाम तक रहेगा, हालांकि चक्का जाम 11 से 3 बजे तक ही रहेगा। इस दौरान राज्य के करीब 14 लाख से अधिक कमर्शियल वाहन नहीं चल पाएंगे। वहीं मंडियां भी बंद रहेंगी। बंद में एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं और शादी के लिए जा रहे लोगों पर रोक नहीं होगी। उधर आपको बता दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। बंद को कांग्रेस समेत 24 दलों व 10 ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है। उधर कृषि कानून को वापस लेने की मांग के समर्थन में 30 से ज्यादा खिलाड़ी अवार्ड वापस करने पहुंचे हैं दिल्ली, पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है। उधर कुंडली बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा, बंद शांतिपूर्ण होगा। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, भारत बंद को लेकर बड़ी खबर है, संगठनों का समर्थन किसानों को प्रशासन की रणनीति। वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारत किसान संघर्ष तालमेल समिति के आह्वान पर। वहीं मंगलवार को आज यानी भारत बंद है। किसान आंदोलन के साथ भारत बंद को सरकारी, गैर सरकारी, व्यापारी, वकील व अन्य संगठनों ने भी समर्थन का दावा किया है। इतना ही नहीं, बंद को सफल बनाने के लिए संगठनों के पूरी ताकत भी झोंक दी है। उधर कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए, इसके लिए प्रशासन की पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने इसको लेकर खास नीति भी तैयार की है। संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जी हां, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें, कोरोना संकट को लेकर बड़ी खबर है। 2 हफ्ते में 40% घटे सक्रिय मरीज, 21,366 से घटकर अब 12,808 बचे। 1,451 नए संक्रमित मिले हैं। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश में नवंबर में कोरोना से रिकॉर्ड 67,000 लोग संक्रमित हुए हैं। एक दिन सबसे ज्यादा 3,000 से ज्यादा नए मरीजों को मिलने का रिकॉर्ड भी 20 नवंबर को बना है। लेकिन आखिरी सप्ताह से शुरू हुआ मरीजों के घटने का क्रम अब जारी है। 2 सप्ताह में सक्रिय मरीजों की संख्या 40% कम हुई है। 24 नवंबर की इनकी संख्या 21,366 थी, जो घट करके 12,808 रह गई है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, एग्जाम हुआ कैंसिल। CLU का BEd व स्पेशल BEd का आज होने वाला था पेपर, हुआ है रद्द, अब 28 और 30 दिसंबर को होगा। जी हाँ, आपको बता दें, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के 19-21 सत्र BEd एवं स्पेशल BEd के प्रथम वर्ष का 8 दिसंबर को होने वाला पेपर प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विश्वविद्यालय के BEd और स्पेशल BEd के शैक्षणिक सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष का 8 दिसंबर को होने वाला चाइल्डहुड व ग्रोइंग अप का पेपर रद्द कर दिया गया है। जी हां, अगली बड़ी खबर है, आपको बता दें, किसानों का भारत बंद लाइव। आपको बता दें, लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने बंगाल उड़ीसा में ट्रेनें रोकी, 11 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम। जी हां, आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों से दिल्ली चौतरफा घिर चुकी है। आज भारत बंद की अपील की है। 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस का भारत बंद का सपोर्ट कर रही है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जी हां, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके, नहीं हुई है जान माल की कोई हानि। जी हां, हरियाणा के सोनीपत जिले में देर रात धरती डोली और भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 12:27 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। जान माल के नुकसान की कोई जानकारी भी नहीं मिली है। बता दें कि 2 दिसंबर को दिल्ली NCR में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.7 थी। गाजियाबाद जिले में भूकंप का केंद्र था। गौरतलब है कि इस साल दिल्ली NCR में कई बार धरती हिली है और लोगों ने भूकंप के झटके महसूस भी किए हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर है टोहना से। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने सिंधु बॉर्डर पहुंच किया किसान आंदोलन का समर्थन।
किसानों व सरकार के बीच बेनतीजा रही वार्ता के मद्देनजर पूर्व घोषित किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रदेश भर के हजारों स्कूल संचालक सिंधु बॉर्डर पहुंचे हैं। हरियाणा प्राइवेट संघ स्कूल के प्रदेश प्रवक्ता विनय वर्मा ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू व उप प्रधान संजय दत्तरवाल के नेतृत्व में सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे स्कूल संचालकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्दी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर के स्कूल संचालक इस निर्णायक लड़ाई में कूद पड़ेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी हां, अगली बड़ी खबर है दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर सर्वखाप पंचायत ने बढ़ाया है हौसला। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर है, सर्वखाप पंचायत के प्रधान व प्रतिनिधियों ने भी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का समर्थन करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। सर्वखाप पंचायत के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि विभिन्न खापों के प्रधान और प्रतिनिधि रोजाना सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं सुनारिया सतगामा खाप प्रधान प्रकाश बुधवार खाद सामग्री लेकर बॉर्डर पहुंचे थे। इसके अलावा अहलावत खाप, दलाल खाप, मलिक खाप, देसवाल खाप, हुड्डा खाप और नांदल खाप भी अपना समर्थन दे चुकी हैं और किसानों को पूरा सहयोग किया जा रहा है। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है, पहले हरियाणा को SYL का पानी दे, फिर यहां के किसान हैं पंजाब के साथ। केंद्रीय सरकार किसानों के हितों के लिए गंभीर है। 3 कृषि कानूनों को बड़ा सोच समझकर किसान हित के लिए बनाया है, लेकिन पंजाब व हरियाणा के कांग्रेसी नेता किसानों को बहकाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये बात भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा ने कही है। तो जी हां, आप सभी के लिए हरियाणा की 25 फटाफट खबरें कैसी लगी। खबरें अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।